सिंस 2011। एक हल्क भी बना हुआ हमारे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन होने जा रही है, जिसके लिए खुद को मैं तैयार कर रहा हूँ। साथ ही कैसे हैं गणेश भैया? कैसे हो? बढ़िया भैया, आप कैसे हैं? सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब ठीक ठाक है। हाँ, सब अच्छा। बहुत दिनों बाद। नहीं, हाँ भैया, यहाँ पे आए हुए महीना नहीं, हाँ 2 महीने से ऊपर ही हो गया। अच्छा। अभी यहाँ पे आए हुए तो बेसिकली हम अपने काम से ये, कर रहे हो? ये आपका वीडियो जाएगा मेरे YouTube चैनल में। थैंक यू। सिंस 2011। ये जिम का इंटर घुसते ही कुछ दूर में जा करके एक हल्क भी बना हुआ, ये सर मतलब गणेश भैया का जितना भी इक्विपमेंट का है, डंबल्स हो गया बेसिकली हर एक साइज़ का है, हर एक किलो के से चालू होता है, देख सकते हैं आप लोग 2.5 से लेकर के। और यहाँ पे अच्छी खासी मतलब ऐसे जिम आप लोगों को जमशेदपुर में ही नहीं मिले, इतना अच्छा है, हर एक चीज़ का हर एक सेटअप का मिलेगा। साथ में मेरे को लग रहा है कि बहुत दिन बाद भेंट हो रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब भैया का जिम सेटअप देख करके तो हम पागल हो गए, पूरे जमशेदपुर में ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन इनका मुसाबनी में आकर के ये एक मतलब क्या बोले, मेरे पास वर्ड नहीं आ रहा है। ये एक्चुअली ये हमारे मुसाबनी के लिए वरदान है, वरदान है। और भैया 2011 से चला रहे हैं, आप लोगों को पता जैसे हो कि नहीं हो पता नहीं, बट 2011 से इनका अभी तक रेगुलर है। और ये वाला सेटअप जो है इन्होंने इसी साल ही किया, ये 2020 में ही होने वाला ये था। मेरा तीसरा सेटअप है, तीसरा सेटअप है, तीसरा सेटअप है। और ये वाला जो है ये 2020 में ही आने वाला था, बट लॉकडाउन के कारण से ये नहीं आ पाया। और सारा सामान जो है भैया मेरे को फ़ोन करके भी बताए थे कि इन्होंने पंजाब से मंगाया था, जलंधर। मांगना पड़ेगा भैया आपको, तब जिम के लिए ऐसा क्रेज है आपको क्या? मैं इससे पहले 2 बार सामान खरीदा था, मैंने 2 बार में ठगा गया, इसीलिए डायरेक्ट वहीं से मैंने सोचा इस बार कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, जो देना है जो करना है एक बार करना है। सही बात, बढ़िया करना है। सही बात है, मतलब दिखने से भी लग रहा है कि नहीं कहीं से कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ किए हुए। तो अभी गणेश भैया जो है वो बताएंगे अपना जिम के बारे में कि उन्होंने क्या क्या लगाया है, क्या क्या सामान है और कितने जन अभी वहाँ पर है फिलहाल तो। और सबसे बड़ा चीज़ भैया आपका जिम का नाम क्या है? द एंटलस, द एंटलस मसल फैक्ट्री जिम, को यूनिसेक्स। तो ये रखने का कारण क्या था भैया? एक्चुअली बात है कि नाम एक ऐसा नाम है, हमारे जिम में काफ़ी सारे लोग वर्कआउट करते, काफ़ी सारे लड़के जो अलग अलग भाषा के हैं और अलग अलग जाति के हैं। तो नाम का अर्थ ये होता है कि एंटलस, नाम बड़ा प्यारा है, नाम वेस्टर्न है। इसका वास्तविक नाम है हनुमान।
अच्छा, क्योंकि हम लोग श्रद्धा करते हैं, भगवान का भक्ति करते हैं, बजरंगबली मानते हैं और शक्ति के दूसरे रूप है बजरंगबली। सही बात है, सही बात। ये एंटलस का अर्थ होता है वानर, आप सर्च करो गूगल में पता चलेगा। तो ये नाम बड़ा प्यारा नाम है, द एंटलस मसल फैक्ट्री चीफ फॉर यूनिसेक्स, बड़ा प्यारा नाम है। समझ गए, तो द एंटलेस का मतलब क्या है वो भैया ने पूरा अच्छा सा एकदम विस्तृत रूप में बता दिया। तो अभी चलिए, अभी सब क्या क्या सामान है सारा चीज़ हम लोग देखते हैं और फिर बता देते हैं। अच्छा, तो ये क्या है भैया? ये एक्चुअली काफ मशीन है। अच्छा, इसमें हमारे काफ को वर्कआउट होता है। किसका? काफ, काफ का। ओके 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 ओके। बहुत सारे जिम में ये होती नहीं है, लेकिन ये बेसिक वर्कआउट है, इसको ओल्ड स्कूल वर्कआउट बोलते हैं। हाँ, बिना काफ का मजा नहीं आता। अगर वो काफ अच्छा होगा तो हाफ पैंट पहन सकते हो, बड़ा प्यारा लगता है। हाँ, एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग में हर चीज का महत्व होता है। हाँ, काफ सकते हैं, देख सकते हो, ये आपको पूछ देना चाहिए, काफ में इफेक्ट पड़ता है, काफ में इफेक्ट। काफ़ी काफ़ी अच्छी और काफ़ी प्यारी मशीन है। शुरू में ये एक्चुअली थाई मशीन है। अच्छा, काफ़ी आधुनिक है, काफ़ी एडवांस है। हाँ, ये अभी सबसे नई जिम में, नई चर्चे में लोग इसे बहुत डिमांड कर रहे थे। काफ़ी अच्छी मशीन है, इसमें आपका थाई का काफ़ी अच्छा काम होता है, थाई हो गया, हेमस्टिक मसल्स हो गया, इसे दो तीन तरीके से मार सकते हैं। बहुत प्यारा मशीन है और ये मशीन काफ़ी प्रचलित भी है, काफ़ी एडवांस मशीन है। जैसे मैंने आपको कहा, पीछे वेट के लिए आप अलग से लगा सकते हैं, पीछे आप जितना वेट डालना चाहेंगे, जितना हाँ, आपकी क्षमता जितनी शक्ति है और उतना वेट डालिए, कोई दिक्कत नहीं। 200 किलो, 500 किलो, जितना आपको शक्ति है। अच्छा, ये मशीन है, बोलते हैं लेग प्रेस। अच्छा, ये लेग प्रेस मशीन है। हाँ, इसका डोल वर्कआउट होता है, लेग प्रेस एंड हैक स्क्वाट। अच्छा, एक से दो वर्कआउट होती है, छोड़ के हमारे से लेग प्रेस होती है। हाँ, हमारे लेग को हमने प्रेस कर रहे हैं। हाँ, लेग का कोर मसल में दबाव दे रहे हैं और इसको खड़ा होकर मार सकते हैं। अच्छा जी, डबल डोल काम करता है। तो आप लोग जैसे देख सकते हैं ये किस ढंग से पूरा काम है, ये पूरे पैर के लिए है, ये कंप्लीट सेक्शन पाँव की है, कंप्लीट सेक्शन। ओके, ये मतलब टाइट करना, ये जो मशीन है ये लेग एक्सटेंशन एंड लेग कर्लिंग है, इसमें डोल वर्कआउट होती है, आप बैठ के लेग प्रेस कर रहे हैं और पीछे सोक के तो लेग एक्सटेंशन होता है। ये आपको होता है लेग एक्सटेंशन एंड लेग कर्लिंग, ये डोल वर्कआउट होती है। ये भी अपनी थाई की मशीन है और पीछे काफी प्यारी मशीन है। ये आप लगता है मेरे को सूर्यली वाइस से खाली पैर के लिए, ये सारी खाली आपके पाँव की मशीन है, पाँव के लिए है। क्योंकि अच्छा, आज संडे है। हाँ, आज शनिवार लास्ट डे है। हाँ, हम सब थाई मारते ताकि संडे आराम से सो सके घर में, संडे छुट्टी रहता है इसीलिए, क्योंकि सब बच्चे ने थाई मारे। चलिए, अब इसके बारे में बताइए भैया। इंक्लाइंड चेस्ट प्रेस मशीन है। ओके, इंक्लाइंड मशीन है, एक्चुअली इंक्लाइंड जैसे बैक प्रेस है, ये इंक्लाइंड मशीन है। हाँ, ये हमारा अपर चेस्ट के लिए होती है, काफ़ी अच्छी मशीन है, हमारा अपर चेस्ट डेवलप होता है। हाँ, इसमें कि बॉडी काफ़ी प्यार सुंदर लगता है। चलिए, काफ़ी अच्छी मशीन है। हाँ, सारी मशीनें बायोमेकिक काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मैकेनिक ही बोलते हैं, काफ़ी अच्छी है। बताइए भैया, ये मशीन है स्मिथ मशीन। अच्छा, काफ़ी अच्छी मशीन है। हाँ, एक मशीन अपने आप में पर्याप्त है। अच्छा, इसमें काफ़ी सारे वर्क कर सकते हैं, इसमें चेस्ट मार सकते हैं, शोल्डर मार सकते हैं, थाई मार सकते हैं, मतलब एवरीथिंग, ये जिम का शान है। अच्छा, मतलब ये जो मशीन जिम में होती है, ज़्यादा मशीन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसी में एक में सारा हो जाए, इसमें शोल्डर मार सकते हैं, इसमें सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। ये क्या है भैया? ये एक्चुअली है इंक्लाइंड चेस्ट प्रेस मशीन। अच्छा, इससे भी हम लोग का अपर चेस्ट बनता है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जो मेंबर आते हैं, वो लोग मार नहीं पाते। बेसिकली इसको मारने के लिए काफ़ी सारी जो ओल्ड स्कूल वर्कआउट होती है उसमें करनी पड़ती है, तो सब मार नहीं पाते। इसमें लेआउट अच्छी है,
आप मारोगे तो टोटल ये आपका मसल्स में काम करेगा, हिलेगा नहीं, ये बेनिफिट होती है। ये हमारी शोल्डर प्रेस मशीन है। अच्छा छोटू भैया, बहुत सारी मशीनें हैं, आप हर का वीडियो कितने भी वीडियो बनाओ सब की सब मशीनें बहुत ही प्यारी है और सब प्रॉपर मसल्स पे काम करती है, काफ़ी अच्छी काफ़ी प्यारी मशीन है लाइन से, काफ़ी हमारे जिम में काफ़ी सारे नए नए मशीन हैं। अच्छा छोटू भैया ये जो मशीन है, हाँ ये है केबल क्रॉस। अच्छा ये मशीनें सारे वर्कआउट है, जैसे कि हमारे जो ट्रेनर है विनोद साहब हमारे, विनोद जी हमारे, हाँ ये बैक का वर्कआउट कर रहे थे, इसमें बैक में कितना है, बैक की मसल कितनी अच्छी हिट हो रही है देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी इसमें सारी वर्कआउट दी है, आप बैक मारो, आप चेस्ट मारो, आप ट्राइसेप मारो, एवरीथिंग, आप शोल्डर मारो, एवरीथिंग सारा वर्कआउट दी है इसी में। हाँ काफ़ी अच्छी काफ़ी एडवांस मशीन है, लगता है बहुत हेवी वेट अभी ले रहे हैं भैया, इनका इनका बात ही अलग है, ये काफ़ी प्रोफेशनल है। हाँ। काफ़ी अच्छा वेट मारते हैं, 100 केजी वेट तो ऐसे मार लेते हैं। आइए शुरू भाई, ये मशीन है टी बार। अच्छा इसको टी बार मतलब टी बार, हाँ इसका इसका जो मेन काम होता है बैक मसल, हाँ जब खींचते हैं तो बैक मसल लग रहा है, जब छोड़ते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट पे काम करती है, ये पर गोल वर्कआउट हिट मतलब दो मसल हिट करती है, काफ़ी अच्छी मशीन है, काफ़ी एडवांस ये भी। अभी इन्होंने 30 केजी उठाया हुआ है, ये एक एक बार जो है वो सब 10-10 के बताएंगे, वेट उठाना कला नहीं है। हाँ। वेट के साथ खेलना कला है, सही बात है। लोग जिम में ईगो लिफ्टिंग करते हैं, कोई 500 के कोई 50 के जी छोड़िए, कोई 50 किलो, कोई 60 किलो, कोई 100 किलो मारता है, जबकि उनकी क्षमता नहीं है, लेकिन परफेक्ट वेट मारना अपने आप में कला है, सही मसल्स पर लोड गिरे, ये बात है। छोटू भी ये आपका मशीन जो है ये बोलते हैं केबल क्रॉस ओवर, इसमें आपका चेस्ट वर्कआउट होती है और शोल्डर फ्लाई होती है, ऐसे बहुत सारे मशीन आई दिखाते हैं, देखिए बहुत प्यारी मशीन है, इसको लेफ्ट की मशीन बोलती है, लेफ्ट की मशीन है, काफ़ी एडवांस है। अच्छा लेफ्ट में बैक पे काम करती है, ये न्यू कमर्स के जो नए 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 मेंबर दिख रहे हैं, इसमें आप चेंज कर सकते हैं, काफ़ी सारे वेट नीचे लग रही है, हाँ ये जो वेट काम करती है आपका वेट को, आपका जितना मारते हैं आपकी क्षमता को बढ़ा देती है, क्योंकि आप वेट के ताकत से ज़्यादा मार सकते हैं, आपको बॉडी वेट हल्का हो जाता है। अच्छा ये लेट पुल डाउन मशीन है, लेट पुल डाउन ये बैक की मशीन है, काफ़ी अच्छी मशीन है और ये मैक्सिमम लड़के भी से करते हैं, कई नंबर और भी सामान मिलता है, सीधे ले लेंगे, एक स्पिन बाइक है इसको साइकिलिंग बोला जाता है, हाँ हाँ ये बेसिकली साइकिलिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए। अच्छा ये आपका आपको स्टेमिनर के लिए बेनिफिट होता है, कार्डियो सेक्शन है उधर, ये देखिए मशीन है, ये हमारे कार्डियो सेक्शन है, लेडीज जेंट्स लड़के सब करते हैं, सब करते हैं, अच्छा बात है। एक्चुअली इसमें बेनिफिट है कि ये मशीन है, आराम से बहुत ही इजीली वॉक कर सकते हैं, बारिश धूप गर्मी से कोई मतलब नहीं है, एक मशीन है, एक ये मशीन है, बहुत ही प्यारी बहुत ही अच्छी मशीन है, मैनुअल मशीन है। अच्छा कोई व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती, आराम से आराम से वॉक करेगा, समझे। अच्छा आइए दिखाते जरिए, ये एक अच्छा चीज दिख रहा है भैया, ये क्रॉस ओवर है, हाँ ये काफ़ी काफ़ी अच्छी मशीन है, हाँ नॉर्मली हम लोग आजकल रिक्शा चलाते हैं, तो रिक्शा चलाने बोलते हैं, काफी ताकत ये देखिए वो जैसे हो बैठ करके साइकिलिंग वाला हो गया, ये खड़ा होकर के वाला, हाँ ये खड़ा भी साइकिल है, साइकिल वाला खड़ा होकर रनिंग कर रहे हैं, हाँ बहुत ही स्मूथली रनिंग कर रहे हैं, आप अपना क्षमता के साथ वेट को बढ़ा सकते हैं। अच्छा ये इसका फील पता क्या है, इसका फील है कि 15-20 लोगों को या 5-6 लोगों को पीछे बाइक पीछे बैठा के रिक्शा वाले, अच्छा ये रिक्शा ही है, तो मतलब उतना हेवी रहता भी है, हाँ काफी है, वैसे काफी सारा सेटअप है, सेटिंग करना पड़ता है। अच्छा ये बहुत अच्छी मशीन है, ये बैक की मशीन है, इसमें एक्स की काम होती है, हाँ और ये भी हमारी एक्स की मशीन, ये बहुत ही एडवांस मशीन है, आप देख सकते हैं ये मशीन है, नॉर्मली बहुत कम जिम होती है, आप देख सकते हो, ये मतलब आपका सारा चीज है, एब्स चेस्ट सब चीज चल जाएगा इस पे, बहुत सारे लोग मुझसे लोग पूछते हैं कि साइड वर्कआउट कैसे हो, साइड एब्स के लिए देखिए ये आपका साइड हो गया, हाँ तो जो मारोगे ना ये साइड क्रंच, साइड ओहो
बहुत अच्छा ओ, 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 मतलब आप भैया एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी का सारा चीज लाए हुए हैं। मैं अमित सर का धन्यवाद करूंगा जिसने सामान मुझे दिया है। हाँ, एक कंपनी सिंडिकेट कंपनी, काफी अच्छा। प्यारी काफी अच्छी मशीन है। हाँ, ये सारा आपको देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे है। हाँ, सारे में सेम, सारा सेम है, सारा मशीन वर्किंग कंडीशन में, एक भी मशीन मैंने ब्रेक अप नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ, सब ये आपकी काफी सारे मशीन है, सारा चीज है। ये देखिए छोटे छोटे आपका वेट के लिए है, एक्चुअली जो लेडीज आती है। ओके 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 ओके, बहुत ही अच्छा लगा, काफी दिन आपने इंटरव्यू लिए, खुशी मिला। मैं सोच रहा था कि कोई आए जिम को, मैंने नहीं भैया टाइम नहीं हो रहा था हमको। हाँ, भी तो इसीलिए हम आ भी नहीं पा रहे थे, बहुत 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 बट आपको इसीलिए हम कल को फोन भी किए कि भाई आपके व्यूअर को बोलना चाहता हूँ। हाँ, प्लीज मैं इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ अपनों जैसे। हाँ, मुझे बोलने इतना अच्छा पता नहीं है। हाँ, कुछ भी गलती हो तो बिल्कुल क्षमा कीजिएगा। नहीं भैया गलती वैसा कुछ भी नहीं हुआ, एक्चुअली होता ना बात करने में लोग लड़खड़ाते हैं, तो मैं थोड़ा हो सकता लड़खड़ा जाऊँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं बोलूँगा आप इनका चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। भैया का बात एकदम दिल पे लगा के रखिए, छोटू भाई का चैनल तो मिलियन पार होना चाहिए कि नहीं? अरे वाह, थैंक यू भैया, ये तो एक ड्रीम होता है भैया। नहीं बिल्कुल बिल्कुल होगा। सो भैया आपका जो ट्रेनर है हमको उनसे एक बार आइए ना, ये विनोद नाम है हमारा जिम का ट्रेनर है, इनका नाम है विनोद, नाम है विनोद गर्की जी। अच्छा, इनको काफी एक्सपीरियंस है, इनको 10 साल का एक्सपीरियंस है। वो आपने इससे पहले वो बैंगलोर में थे। हाँ, और यहाँ पे सच बताएं यहाँ पे जो आए ना, यहाँ पे काफी सारे लड़कियाँ हैं, काफी सारे लेडीज बहुत अच्छा ट्रेन करते हैं, बहुत अच्छा ट्रेन करते हैं। सो भैया अपने बारे में कुछ आप बताइए। हाय, मैं विनोद बहादुर गर्की, मैं यहाँ तो जिम नहीं किया हूँ, मैं बैंगलोर में था 15 ईयर्स वहीं से जिम किए हुए हूँ, वहाँ से ट्रेनिंग लिया हूँ पर्सनल ट्रेनिंग, और यहाँ पर आया हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सब गणेश भाई के, और देखिए आगे क्या होता है, हम लोग और एक ब्रांच खोलने वाले एकदम, अगर गणेश भाई चाहे तो एकदम। हाँ, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की तैयारी कर रहे हैं, ये फरवरी में हमारे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन होने जा रही है, जिसके लिए खुद को मैं तैयार करूँ, साथ ही विनोद भाई खुद को तैयार करें, हमारे बहुत सारे जो लड़के हैं वो लोग अपने को बहुत प्रिपेयर करें। बॉडी बिल्डिंग कोई मजाक नहीं है, सही बात है, बहुत बड़ा साधना है, सही बात, बहुत मेहनत है आपको। सबसे पहले तो अपने मुँह पे स्वाद, मतलब मुँह पे कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके बाद ही बॉडी में ट्रांसप्लांट होती है, बॉडी चेंजिंग होती है। हाँ जी, तो अभी हम दिखाएंगे कि दोनों का क्या बॉडी का अभी अंतर है। अभी अभी गेनिंग में, अभी तो ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले 2 महीने में बॉडी में बहुत चेंज आ जाएगा, मैं खुद बोर्ड वीडियो अपलोड कर दूंगा। अरे वाह जी, तो जिम देख करके आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग जरूर से बताएं चैनल में, और क्या बोलते हैं कमेंट, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, भैया पूरा सपोर्ट में करेंगे एकदम, शेयर वे भी, और इनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारा करने वाले, और काफ़ी बढ़िया जिम है, अगर मुसाबनी या टाटा के भी हैं आप लोग कोई भी, तो आकर के एक बार जिम को विजिट करके देखिए, छोटा भाई है इनके साथ जरूर दीजिए, बहुत प्यारा लग रहा है। तो इसी के साथ में आज को करते हैं हम वीडियो का एंड, और रात भी काफ़ी हो गया, भैया को अभी वर्कआउट भी करना, हम इनका टाइम वेस्ट कर देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा दूर आने के लिए। तो इसी के साथ में अभी करते हैं हम वीडियो का एंड, ठीक है, चलिए बाय, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, बाय 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 बाय।